प्लान हो गया चेंज फिर से दोबारा से। केदारनाथ के जो है रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हो चुके हैं, शाम को 6 बजे खुलेंगे, तब हम ट्राई करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 10:10, तो वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड वी आर लिविंग टूवर्ड्स त्रियुगी नारायण। 13 किलोमीटर्स का ट्रैक है, कोशिश यही है कि जाके शाम तक वापस आ जाए। तो लेट्स गो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ट्रिप इन विद वरुण। तो हेंसी इज रेडी, राइट नाउ इट्स 6:30। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान वी वर सपोज टू लीव एट 4 o'clock, राइट, बट वी कुड नॉट स्लीप ऑन टाइम, सो वी कुड नॉट वेक अप ऑन टाइम। बट फाइनली 6:30 पे हम निकल चुके हैं घर से, पूरा फ्रेशन अप होके, आराम से नहा धोके, बढ़िया रेडी वेडी होके। अब प्लान ये है आगे का कि अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में होगा हमारा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन पे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स। तो उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे तक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी 1.5 घंटा लगेगा सोनप्रयाग पहुँचने में, और 10 बजे तक मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह करके क्लियर होके ट्रैक पे अपना निकलेंगे यात्रा के लिए। तो फिलहाल अभी ये है अर्ली मॉर्निंग 6:30 का व्यू, सो जस्ट एंजॉय द व्यू। So we are still on the way. कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो चल ही नहीं पा रहे, रास्ता बड़ा वैसा हो रखा है, आप देखिए पत्थर ही पत्थर उठ रहे हैं, ज़्यादा तेज आप चला नहीं सकते 10-15 की स्पीड से, गाड़ी आपकी अपनी है तो आपको खुद ही ध्यानपूर्वक चलाना पड़ेगा उसमें। कितना देर का आपको लगेगा? सर लगभग 20 मिनट और। गाइस देख लो ये रास्ता है, और सोनप्रयाग पहुंचने में भी हमारे को 20 मिनट और लगेंगे। विशाल थापा जी, कैसा लग रहा है आपको अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आप उठ के नहा धो के रेडी हो के आप निकल चुके हो, आप तो आपको कैसा लग रहा है? फ्रेश सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठंडा ज़्यादा है यहाँ पर। वैसे उठते हो सुबह इतनी जल्दी आप? सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। तो आप तो वैसे सुबह 3 बजे उठने वाले थे लेकिन आप तो उठे नहीं, थोड़ा सा क्या रीज़न था उसके पीछे? शरीर को रिलैक्स भी चाहिए था। अच्छा, रिलैक्स हो गया आपका? हाँ सर, फ्रेश हो गया। हो गया ना, अब पूरी रात तक आप चार्ज हो? हाँ चार्ज हूँ मैं। आर यू रेडी फॉर द ट्रैकिंग? यस। कर लोगे? यस। 17 किलोमीटर की है? हाँ, भोले बाबा देंगे आप भी शक्ति। अच्छा, आपका क्या कहना है दीपक भाई? सेम, बिल्कुल रेडी है ट्रैक के लिए, बस जैसे जैसे पहुँच जाए ऊपर। अच्छा, रेडी है। तो क्या उम्मीद है पहुँच पाओगे? क्योंकि कल के अपडेट के हिसाब से तो बहुत भीड़ है वहाँ पे, बहुत भीड़ है। पूरी कोशिश करेंगे पहुँचाएंगे भोले बाबा। अच्छा, और वेदर फॉरकास्ट भी आज का थोड़ा ठीक नहीं है, बारिश एक्सपेक्टेड है, तो कोई प्लान है उसके लिए आपके पास? वो ऊपर चल के देखेंगे क्या होता है सीन हमारे साथ। आपके पास प्लान है कोई? प्लान का भी कुछ नहीं है, अब देखेंगे मौसम के हिसाब से प्लान करेंगे। बारिश आ गई तो क्या करोगे? बारिश आ गई तो देखेंगे वहाँ पर कुछ होगा, सुविधा होगी तो। सुविधा तो कुछ नहीं है, सुविधा तो बनानी पड़ेगी। हाँ अभी बनाएंगे। बनाओगे? ठीक है, कैसे ना कैसे करके जाएंगे जरूर। जाओगे? पहुंच पाओगे? पक्की बात है? चलो भाई, ये दोनों तो बहुत डिटरमिंड है कि पहुंच पाएंगे। इवन आई एम एक्साइटेड एंड आई एम पॉजिटिव कि यस वी आर गोइंग टू रीच, इवन दो इट्स टू क्राउडेड, बट आई एम पॉजिटिव दैट वी विल रीच। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? सो डेफिनेटली वी विल रीच, एंड इफ यू हैव अ डेडिकेशन डिटरमिनेशन टुवर्ड्स योर गोल, if it is your goal, you will definitely going to achieve with a positive attitude. आप इंटरव्यू क्यों देते हो हमेशा? इंटरव्यू जैसे आपका जॉब का सिलेक्शन होने गए ऐसे क्यों बोलते, स्पीच क्यों देते हो आप? है सर आदत ही है, क्या करें सर, प्रोफेशन है सर दोनों का, स्पीच और सुबह से लेकर शाम तक हम स्पीच ही देते हैं। चलो ठीक है, आपकी तरफ तो अगर कैमरा रहेगा तो नॉन स्टॉप आप बोलते रहोगे, तो कैमरा थोड़ा आगे कर लेते हैं।
अपनी गाड़ी चलाइए, ठीक है? ठीक है सर। गाइस देख लो, अपडेट ये है, 4 किलोमीटर रहते हैं सोनप्रयाग। सुबह से लोग 4 बजे से पहुँच गए और सुबह 4 बजे जो लोग निकले हैं ना वो भी अभी तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, पूरा पैक हो रखा है। तो प्लान अब ये है, अब दोबारा से इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। सोनप्रयाग हम गाड़ी से पहुँच ही नहीं सकते, अगर गाड़ी के भरोसे रहेंगे तो रात तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेस सो दैट वी कैन पार्क आवर कार ओवर हियर। और 3-3.5 किलोमीटर का हमारा जो है वॉकिंग डिस्टेंस और बढ़ चुका है। तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते जा रहे हैं, बट कोई नहीं, जाना तो है ही, तो जब तक हिम्मत है कोशिश करेंगे पहुँचने की। तो गाइस देख लो यहाँ पे सीन, अभी भयंकर जाम लगा हुआ है, भयंकर। ऊपर से आया भैया, फिर वेट कर रहे हैं भैया, अभी ना इनके साथ के ऊपर जा रखे हैं। गाड़ी कौन सी हटनी है अभी? अभी शायद ये हटेंगी, हम उम्मीद कर रहे हैं हटेंगी, उम्मीद कर रहे हैं मुझे फिलहाल। अच्छा, तो गाड़ी पार्क यहीं करनी है ना, देखते हैं क्या होता है, वो देख लो भाई। भयंकर जाम है भयंकर। हाँ ऊपर जा रहे हो भैया? नहीं, फिर नीचे जा रहे ऊपर? नहीं, क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है ऊपर रस्ते का? भीड़ ज्यादा है। ज्यादा है? मैं देहरादून से। देहरादून से भीड़ बहुत ज्यादा है। ज्यादा है भीड़? हाँ जी यार। कुछ उम्मीद है खुलेंगे एग्जाम? एग्जाम खुलेगा 10 बजे बाद में खुलेगा। कितना टाइम लगेगा पहुँचने में वहाँ? तो ऊपर तो टाइम लगे। तो अभी हमने 3-4 लोगों से बात करी, वो तो कह रहे हैं गाड़ी यहीं पार्क करके, पार्किंग यहीं करनी पड़ेगी, है ना? ऊपर पार्किंग नहीं है ना? पार्किंग नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश, राजस्थान से, डिस्ट्रिक्ट अलवर बैरोड से। थैंक यू। थैंक यू। लोकल हो? नहीं। कहाँ से आ रहे? ग्वालियर। ग्वालियर से दर्शन कराए आप? अभी कहाँ, अभी तो गाड़ी फंसी हुई है। कहाँ फंसी हुई है? आगे जाम फंसी हुई है। जाम में? जाम में फंसी हुई है। किस, कैसे आए हो आप? बस से आए। बस से आए हो? अच्छा, ठीक है। भाई क्या सीन है, क्या सीन है, पार्किंग में लगानी, क्या करना है? है नहीं ना पार्किंग, अवेलेबल ही नहीं है। ऊपर ऊपर बारिश का सीन बन रहा है। अच्छा, पूरी स्थिति ऐसी है। चलो देखते हैं। चल चल, वो कह रहा जगह है भैया, बताओ एक बारी। देख लो भाई, यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग ऊपर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना क्राउड है, इतनी पब्लिक है। एंड इट्स जस्ट बिकॉज कोविड के रिस्ट्रिक्शन सब हट चुकी हैं, तो बाहर के बहुत लोग जो है सारे यहीं पे पहुँच रहे हैं। फिलहाल सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड एंड वही हो रहा है। तो अभी मेन चैलेंज ये है कि गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं है यहाँ पर। अभी हम वहीं हैं सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर नीचे। पहले तो टारगेट ये है कि गाड़ी पार करी जाए कहीं पे, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है। ये लोकल आप? प्राइवेट वाला। क्या ऊपर का क्या अभी वो है? ऊपर की स्थिति ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है ऊपर की। तो अब कोविड वगैरह की कोई कोविड की कोई रिपोर्ट नहीं, जिसको डबल डोज लगी वो जा सकता है। सिंगल डोज वाला? सिंगल डोज वाला भी जा सकता है, लेकिन उसके पास वो ई पास होना चाहिए। ई पास जो है ई स्मार्ट सिटी का पहले जो पास मांगते थे वो जरूरी है। ये भी सीन है? ये भी सीन है। क्या नाम है आपका? ओमपाल सैनी। तो अभी हमने फैसला तो ये लिया है कि हम गाड़ी यहीं पर पार्क कर दें अपनी और पैदल जाएँ यहाँ से। आप क्या सजेस्ट करते हो? गाड़ी जहाँ जगह किसी आने जाने वाले को दिक्कत ना हो ऐसी जगह पार्क करना तो ठीक रहेगा। अगर आपने उल्टी सीधी खड़ी कर, सीधी तो नहीं करेंगे, करेंगे हाँ, तो सही जगह पे ही। हाँ, तो ऐसी जगह पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो पैदल। पैदल चले जाएगा? पैदल चले जाए। तो यहाँ से सोनप्रयाग मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर दूर है अभी। तीन किलोमीटर। ठीक है। और बारिश का भी संभावना है? बारिश की आज संभावना, 2 दिन की बारिश की संभावना, हाई अलर्ट कर रखा है बारिश के लिए। स्नोफॉल हो सकता है ऊपर केदार में, यहाँ तो नहीं, केदार में होगा। केदार में, ठीक है। तो चले जाए फिर? हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल जाना चाहिए, जब आए हो तो दर्शन करके आओ,
बहुत बढ़िया, जाओ आराम से, आराम से जाओ। ठीक है, शुक्रिया जी। तो गाइस पहला टारगेट हो चुका है अचीव, पार्किंग मिल चुकी है, गाड़ी पार्क कर दी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास, वहाँ से हम अपना सामान निकालेंगे, जो भी हमारे को सामान चाहिए ज़रूरत का, क्योंकि आगे क्या होगा कुछ नहीं पता अभी। तो बारिश की संभावना भी है, भीड़ भी बहुत है, जाम भी बहुत है, और ऊपर स्नोफॉल भी हो सकती है, तो एनीथिंग कैन हैपन एंड इट्स फन, सो वी आर एंजॉइंग इट। कोई बात नहीं, देखेंगे जैसा भी होता है। प्लान के अकॉर्डिंग नहीं सब चीज़ें होती हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें अनप्लान्ड भी ऐसी होती है ना कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाती है, एंड आई होप दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू बी दैट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, और दीपक भाई भी साथ में आ गए हैं, मास्क इन्होंने लगा लिया है। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। हाँ बस प्लान कर रहे हैं, बस पहुँच जाए ऊपर। भाई देखो कल से निकले हुए हैं सुबह 9:30 बजे से, और कल हमारे को चलना था, और अब बज रहे हैं सुबह के 8:15, और अभी हम जाम में ही फंसे पड़े हैं। तो देखते हैं भाई आगे क्या क्या सीन है। तो गाइस देख लो, यहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप लगा लिया है, ये इनका मिनी हाउस बन चुका है, नितेश रावल का घर बन चुका है। भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये आपने गर्म, ये क्या पहन ली इतनी मोटी मोटी जैकेट? ठंड है क्या? ठंड बर्फ़ पड़ रही है सर, और ऊपर ना मौसम खराब है, 6 बजे के बाद दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमको जल्दी टाइम से निकलना पड़ेगा सर। अच्छा। एक ले ले बस, सिंगल बैग, एक अपना एक उसका। तो पैकिंग कर रहे हो निकलने की? ट्रैक तो आपका 17 से 20 हो गया। ट्रैक हमारा 20 हो गया, कोई बात नहीं, 20 की जगह 22 हो गया, क्योंकि ऊपर गौरीकुंड भी लगता है, पैदल ही जाना पड़ेगा। खच्चर कर लो? खच्चर नहीं जाते सर, खच्चर गौरीकुंड से चलते हैं। खच्चर कर लो भाई, आपको 5-6 किलोमीटर अभी यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर भिजवा दें आपके लिए? नहीं सर, हम पैदल खुश हैं। पैदल खुश हैं। चलो ठीक है। तो गाइस देख लो सिचुएशन, वहाँ से हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और अब हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। द रियल टेस्ट बिगिंस नाउ। भाई पैदल निकलने में बहुत दिक्कत है। ओह शिट, जो बस से निकला मैं। हाँ हाँ, उसके पीछे मेरी वॉच में भी तो स्क्रैच पड़ गए, फटक से लगा, और मैं देखा जैसे देखा। अब क्या कर सकते हैं? तो गाइस प्लान अब ये है कि कोई प्लान नहीं है, अब तो जहाँ सड़क ले जाएगी वहीं पहुँच जाएंगे। कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, एंड होपफुली पहुँच पाए। पहुँच जाएंगे ग्रेट, नहीं भी पहुँच पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो अभी तो शुरुआत ही हुई है, और घर से जो है, कल मैं जब निकला था तो मैं घर से अपने आलू एंड पूड़ी पैक करा के लेकर आया था, तो रास्ते में जब हम कल फंस गए थे तो हमने जाम में भी वही खाया, आलू पूड़ी अचार एंड चाय, और आज सुबह भी ब्रेकफास्ट में हमने पूड़ी अचार और चाय के साथ हम निकल चुके हैं। खाने पीने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बाकी अब निकल चुके हैं ट्रक पे, तो आगे छोटे छोटे वेंडर्स आएंगे, छोटे छोटे शॉप्स हैं आगे, तो कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए मिलेगा, क्योंकि बिना खाए पिए तो एनर्जी आएगी नहीं, और एनर्जी नहीं होगी तो चढ़ नहीं पाएंगे, और चढ़ना तो ज़रूरी है। तो लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट। आई एम एक्साइटेड, आई एम enjoying it thoroughly, and I'm hoping for the best, but we are going to try our best. Chal bhai aa ja, phas gaya bhai, samne se bus aa rahi hai to paidal walon ko bhi jo hai na rukna pad raha hai, yahan pe aap seedhe nahi chal pa rahe ho, rukna pad raha hai, baaki log cross karte hain aur hansi jo hai aage nikal chuka hai, उसकी रफ्तार थोड़ी तेज़ पकड़ रखी उसने हैंसी और विशाल, वो दोनों आगे निकल चुके हैं, दीपक मेरे साथ है, येरा तो हम दोनों थोड़ी पीछे हैं अभी, पास बना रहे हैं, आगे मिल जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे तो 5-5 बनवा लेंगे, हम तब तक पहुंचते हैं, तो मिलते हैं आगे। ये देख लो गाइस, नीचे एक नदी जा रही है, और ये सेम सीन देखो,
ये सेम सीन पूरा टोटल केदारनाथ तक है। तो मुझे तो लग रहा है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है ना केदारनाथ में ही है। इतनी जनता है ना, इतनी पब्लिक है ना, इसकी हद नहीं है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ। उम्मीद तो बहुत कम है कि वहाँ पे पहुँच पाए, क्योंकि काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है और काफ़ी लोग जो हैं वापस घूम घूम के आ गए हैं। भाई रास्ता थोड़ा शेडी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के जाना पड़ रहा है। लाखों की तादाद में पब्लिक है। अरे बस से डर लगता है मुझे, राइड हो जाए। चढ़ाए थे भाई हम लोग, ये तो पैदल का रास्ता नहीं मिल रहा गाड़ी से। भाई पैदल वाले जाम में लगे पड़े हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, पैदल का रास्ता नहीं मिल रहा। चलो भाई, ये ना हैंसी चिप्स चुप के पैकेट लेके घूम रहे हैं। थैंक यू भाई, मैं कह रहा हूँ अभी हमें थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी है वॉकिंग की ना। अच्छा, ताकि हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी रजिस्ट्रेशन में बहुत लंबी लाइन है, तो उसमें भी एक डेढ़ घंटा लगेगा। अच्छा, उसके बाद वहाँ से फिर हमको ट्रैकर्स अवेलेबल होंगे, राइट। ट्रैकर्स में हमें बैठ के जाना है, गौरीकुंड से यात्रा शुरू करनी है और सुबह शाम को 6 बजे से पहले पहले हमको वहाँ किसी भी हालत में पहुँचना है। अच्छा ठीक है, अगर आप ट्रैक करके जाएंगे तो लगभग आप मान के चलिए 10 घंटे आपको लगेंगे लगेंगे ट्रैक में। अच्छा राइट सर जी, एवरेज स्पीड आपको थोड़ी स्पीड बढ़ाया तो आप मोटिवेटेड हो? मैं मोटिवेटेड हूँ। हाँ मैं चल रहा हूँ, चल तो हम भी रहे भाई। चलिए आप खुश खुश होके चलिए, बिल्कुल खुश खुश होके चलिए, एकदम मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड ही हूँ भाई, मेरा स्टेटस नहीं देगा। क्या स्टेटस है आपको बता दो, दुनिया भी देख लेगी। स्टेटस यही डाला है कि 21 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ा आज, और पिछली बार से इस बार थोड़ा अलग चीज़ें देखने को मिली है। मतलब बिजली की रफ्तार से तेज स्टेटस है आपका। हाँ सर, हाँ 8 लोगों ने ट्रक खड़ जाए क्या सारा भाई। चलो भाई हेलीकॉप्टर जा रहा ऊपर। पानी पिलाइए थोड़ा यार, ये पकड़िए भाई, पानी की बॉटल भरे रखी ना। पानी तो बहुत ज़रूरी है, 2-3 बॉटल देनी पड़ेगी। वो मिलती रहती है, किसी लेकिन 4 सेकंड ही हो, ज़्यादा टाइम है। झरने मिलते रहेंगे, उसमें भरते रहना प्योर वाटर। ठीक है ले रही, ये ले भाई, और चिप्स भी खोलते खिला दे भाई, चिप्स भी खिला दे। कहाँ से लाए हो प्लेन से? सर गाड़ी में रख रखे थे। अच्छा खोलो भाई, आप सबसे खोल रहे। ये हमारे विशाल भाई की पहली यात्रा है। पिछले 2 दिन में ना जितनी पूड़ी चिप्स जितना भी उल्टा सीधा खाया ना, सब जो है बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर हो जाएगा। हाँ कार्डियो होगा बहुत तगड़ा। पूड़ी तो हमने सीधी खाई थी। क्या पूड़ी तो हमने सीधी खाई थी, आप कह रहे उल्टी खाई है। कोई नहीं सर, आपने सीधी खाई ना, मैंने उल्टी खाई है। मैंने उसको उल्टा करके खाया ना, आपने सीधा करके खाया होगा। टेस्ट तो सेम था, बढ़िया था। टेस्ट रखा, टेस्ट तो बहुत बहुत बढ़िया था। अल्टीमेट आंटी को धन्यवाद। उस पूरी आलू ने आपको बचाया कल जाम में, जो आपका 6 घंटे के जाम में थे ना, आप उस पूरी आलू की वजह से बच पाए हो। पूरी आलू और अचार सर्वाइव कर पाए हो। बिल्कुल पूरी आलू और अचार, आलू में जो हरी मिर्च आंटी ने डाल रखी थी, हाँ वो स्वाद लगा, बिल्कुल स्वाद लगा और करारा पना आ रहा था। तो कुछ बोलना चाहते हो आप? थैंक यू बोलना चाहता हूँ आंटी को। अच्छा थैंक यू सो मच। चलो मैं वेलकम बोल देता हूँ आपको। थैंक यू सर। तो गाइस देख लो रास्ता थोड़ा खुल चुका है, गाइस को दिखाओ। थोड़ी जो है ना सांस ली जा रही है, वरना बीच में तो जो है ना पैदल यात्री का जाम लिए भी जाम था। सोच लो आप, गाड़ियाँ तो कहीं निकलेंगी। क्या हाल है पाजी? बढ़िया बढ़िया वीरे, और सुनाओ कहाँ से हो? पंजाब से। पंजाब से आए हो? हाँ जी। यात्रा कराए हो? नहीं मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। अच्छा गाड़ी लेकर आए हो, ऊपर हुआ है वैसे कि जा रहे हो अभी? नहीं ये मरी पाल दी गई ना।
अच्छा आपकी पार्टी गई है? हाँ, आप यहीं पे रुके हुए? मैं यहीं पे। वो पैदल चले गए हैं? वो पैदल। कब निकले थे वो? वो कल सुबह पहुँच गए हो? हाँ पहुँच गए थे। दर्शन हो गए उनको? हाँ दर्शन हो गए थे, आज आ जाएंगे वो दोपहर तक। अच्छा, क्या नाम आपका पाजी? सतनाम। सतनाम, वाहेगुरु। थैंक यू। जय बोलेगी सर। जय बोलेगी। क्या नाम है आपका? राजू है। राजू? राजू। राजू कहाँ से आए हो आप? रामपुरापुर। रामपुरापुर बठिंडा। कहाँ पर है? पंजाब में। बठिंडे से आए हो? अच्छा, अकेले आए हो? ना, तीन बंदे जहाँ भंडारे में आए साल आते हैं सेवा के लिए। सेवा करने आते हो? अच्छा, बढ़िया। भंडारा कर लिया आपने? हाँ, भंडारा। किस चीज़ का भंडारा है? ये सारी जो भी व्यवस्था है सब मिलती है, बिस्कुट, चाय, रस, छोले, पूरी, रोटी, चावल, सब कुछ। तो गाइस देख लो, अभी यहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो हम यहीं रुक गए हैं भंडारे में ना, थोड़ा भंडारा चख लेते हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया? यूपी से। यूपी? यूपी। यूपी से? किस साइड से? लखनऊ। लखनऊ से यात्रा कर चुके हो आप? हाँ। वापिस आ रहे हो? हाँ, वापिस आ रहे हो। दर्शन कराए आप? भीड़ तो बहुत है ऊपर। भीड़ बहुत है, लेकिन अच्छा लगा दर्शन करके। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। तो जा रहे हैं अभी। जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार तिवारी। अच्छा, ये आपके साथ ही भैया? जी, हमारे ड्राइवर साहब हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो यहाँ भंडारा चल रहा है, बहुत बढ़िया। पूड़ी, पत्रकार हो गए। ये क्या है? कद्दू? सब्जी? आलू। सब्जी, आलू। एंड ये पुलाव, राइस। तो गाइस देख लो, ये यहाँ पे चल रहा है भंडारा, और इन अंकल ने आयोजन करा है भंडारे का। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम राजपाल कौशिक। ठीक है, कहाँ से है अंकल आप? हरियाणा, भिवानी। हरियाणा से। ये भंडारा में 2019 से लगातार अपनी गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, ये टेंटर गाड़ी है। अच्छा, मैं यहाँ पर, हम 1 अक्टूबर को आए थे, 2 तारीख को बाराबंकी लखनऊ वालों का भंडारा, यहीं से सामान क्रॉसिंग करके वो लोग ऊपर ले गए। ओके। प्रवचन हॉल में उनका 3 रोज भंडारा चला। 3 दिन के बाद वहाँ के जो ऊपर के पंडे लोग हैं वो भंडारे में आए, 3 तारीख, मतलब 3 दिन के बाद शाम को 3 बजे। उन लोगों ने कहा भंडारा बंद कर दो, नहीं तो भंडारे में आग लगा देंगे। केदार धाम पर जो भी होल्ड है, जो भी चलता है ना, वो पंडे लोगों का चलता है कि फिलहाल हर यात्री से रूम का चार्ज 5 से 6 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस आवाज़ के माध्यम से हम पूरी, मतलब पब्लिक को ये सूचित कर रहे हैं, जो ये वहाँ पर कर रहे हैं प्रशासन को भी हम इस आवाज़ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वहाँ पर प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। घोड़े भी उनके हैं, प्रसाद भी उन लोगों का है, वहाँ पर रूम जो हैं वो भी उनके हैं, माला जो बिक्री है वो भी उनके, जो भी कुछ हो रहा है उनसे अलावा कुछ भी, मतलब यात्री लोग हैं चाहे भक्तजन है, कुछ भी कदम भी नहीं रखता। तो आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, मतलब इसकी तरफ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। इतनी दूर से यात्री आवे है, वो 5-6 हज़ार रुपये चार्ज नहीं दे सकता। हम लोग ये भंडारे में जो प्रसाद यात्री ग्रहण कर रहे हैं, मजबूर यात्री को रात्रि को ठहराते भी हैं, उसको बिस्तर भी देते हैं, जो भी जैसी भी हमारे से सेवा होती है यो यात्रियों की। अगर हम रात को मजबूर हो गए तो आ जाएं यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते हो। क्योंकि हमारा तो कुछ अभी पता नहीं है, ऊपर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल आ सकते हो, आज की तो यात्रा बंद हो चुकी है, आप कल ही जाना पाओगे। रात को 2 बजे रजिस्ट्रेशन से हमको करवा लेना, रात्रि को 2 बजे यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमारी फोटो भी आ गई। आपकी फोटो भी आ गई सर। क्या नाम है आपका? बद्री सिंह रावत। तो आगे तो आप पीछे का जा रहे हो? बद्री सिंह रावत। बद्री सिंह रावत, इधर तो आओ। समझ गया। तो गाइस वी हैव रीच्ड सोन प्रयाग रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर का सीन है, भीड़ देखो सब रजिस्ट्रेशन कराने के लगे हुए हैं यहाँ पर। और आज की रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुकी है, कल की मिलेगी तो। उनके बाद मौसम खराब चल रहा है तथा मौसम हमारा हाई अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आज आपकी यात्रा स्थगित कर दें। कल जैसे मौसम ठीक हो जाएगा आप लोगों को किराना समय हो जाएगा। कैमरा सर, आज की यात्रा कितने रुपए का? कैमरा सर, इसलिए आप लोगों को कैमरा 1 रुपए का है।
क्या रुपए का है? क्या नाम है? प्रशांत। कहाँ से आ रखे? यूपी से। कहाँ से? मेरठ से। यात्रा करा है? आगे तो बंद हो गई, हाई अलर्ट है ऊपर, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट हो चुका है, बंद हो गई है। कुछ नहीं है, जाता चले जाए, हाई अलर्ट कुछ ऊपर चले गए। फेमस तो हो जाएगा भाई। सारे भाई हो तुम? हाँ जी। हैं? सारे मेरठ से आ रखे? जी जी जी। भाई हाई अलर्ट है ऊपर, यात्रा बंद हो गई है। जाओगे? जाओ भाई, की खोपड़ी है, जागी अपने आप। जाओ भाई। अभी यात्रा कैंसिल हो गई है, 24 घंटे के लिए भी यात्रा को रोक दिया गया है। तो अभी लगभग 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम लोग पैदल जाएंगे त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण, यहाँ पे भोलेनाथ की शादी हुई थी पार्वती माता के साथ। प्लान हो गया चेंज फिर से दोबारा से। केदारनाथ के जो है रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हो चुके हैं, शाम को 6 बजे खुलेंगे, तब हम ट्राई करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 10:10, तो वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड वी आर लिविंग टूवर्ड्स त्रियोगी नारायण। 13 किलोमीटर्स का ट्रैक है, कोशिश यही है कि जाके शाम तक वापस आ जाए। तो लेट्स गो। मेरा ही लगातार 5वीं बार है, लेकिन आप लोगों का पहली बार है। और आप 5 बार बता भी चुके हो? 5 बार बता भी चुका हूँ, लेकिन 5वीं बार आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ कि मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। एक सूचना और देनी है। अगले 3 दिन का केदारनाथ में ऊपर हाई अलर्ट है। तो वी डोंट नो, प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है, अब चलते रहो जैसे भी है। आ जाओ, लेट्स गो। Let's go to त्रियोगी नारायण। और भंडारा भी तो खाया था हमने, भंडारे का अपडेट तो दिया नहीं। भंडारे का अपडेट ऑलरेडी दे चुके हम लोग। कब दिया है? आपने भंडारे वाले से कम आधे पौने घंटे का इंटरव्यू किया। अगर हम वहाँ होंगे इंटरव्यू ना, भंडारा का फीडबैक भी दिया ना मैंने, फीडबैक भी दिया है। भंडारा वाज अमेजिंग, या इट वाज बहुत टेस्टी था, एंड दिस वाज रियली अमेजिंग द गिफ्ट दे हैव गिवन मी मास्क, द क्वालिटी इज रियली नाइस। मेरे को मिला है मास्क, इट इज क्लोज। आई गॉट दिस मास्क फ्रॉम दैट भंडारा। हाउ टू क्लोज इट नाउ फ्रॉम हियर?